नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे वास्तु की। मित्रों, व्यक्ति के जीवन में अच्छी नींद की बड़ी उपयोगिता होती है, बड़ी आवश्यकता होती है। दिन भर के कामकाज से थका हुआ व्यक्ति अगर अच्छी नींद भी ना ले सके तो फिर जीवन में अनेकों प्रकार की दिक्कतें, खासकर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी तय हैं। पहली बात तो यह है कि एक अच्छा वास्तु सम्मत घर होना बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए। यदि खुद का ही घर हो और वास्तु सम्मत बना हो तो इससे अच्छी तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद आते हैं बेडरूम पे। तो घर में बेडरूम एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह होती है जहां आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं, अपनी थकावट दूर कर सकते हैं। तो वह बेडरूम घर में कहां हो, इस संबंध में वास्तुशास्त्र हमें निर्देशित करता है, हमारी सहायता करता है। बेडरूम या मास्टर बेडरूम की सबसे उपयुक्त जगह होती है साउथ या फिर साउथ वेस्ट। ये दोनों स्थान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। बेडरूम यदि साउथ या साउथ वेस्ट में हुआ तो अच्छी नींद आ ही जाएगी। हाँ, यह सही है कि बेडरूम का साउथ वेस्ट में होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेडरूम में शयन व्यवस्था कैसी है, यानी बेडरूम किधर है, सोते वक्त सिर किस दिशा में रहता है, बेड कैसा है, बेडरूम का कलर कैसा है, बेडरूम में जो वस्तुएं हैं वे क्या हैं और कैसी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वे हमारी नींद में ही बाधक हों, पलंग के समीप ऊपर नीचे की स्थितियां कैसी हैं। मित्रों, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। एक तो आजकल ऐसे बेड का प्रचलन अधिक है जिसके अंदर बहुत सारी अन्य वस्तुएं हम स्टोर कर सकते हैं, यानी बॉक्स टाइप बेड की डिमांड ज़्यादा रहती है, जबकि इसका प्रयोग हमारी नींद में खलल डाल सकता है। क्योंकि बेड के अंदर कुछ लोग बहुत सारी पुरानी चीज़ें रख लेते हैं, बहुत ही कम उपयोग में आने वाली टूटी फूटी वस्तुएं एकत्र करके रख लेते हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं जो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करती हों, छोड़ती हों, और आपका उन पर ध्यान ही ना हो। मैं तो तखत को सबसे अच्छा मानता हूँ सोने के लिए, इस पर शयन सबसे अच्छा रहता है। यहाँ भी ध्यान ये रखिए कि तखत के नीचे कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। लोग पुराने जूते, चप्पल, रद्दी, पुराने कपड़ों की गठरी आदि नीचे रख लेते हैं, जो कि गलत है। नीचे का स्थान खाली ही रखें। शयन व्यवस्था साउथ नॉर्थ रखें, यानी साउथ की तरफ आपका सिर हो और पैर हो नॉर्थ की तरफ। कमरे का रंग हल्का रखें, लाइट कलर, गुलाबी, हल्का नीला आदि कलर बहुत अच्छे रहते हैं। बेडरूम में किसी मृतक की तस्वीर को कभी भूल कर ना लगाएं, मतलब ऐसे बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए हैं उनकी तस्वीर आप अपने शयन कक्ष में बिल्कुल ना लगाएं, ये बहुत ही हानिकारक है। बिजली के बोर्ड को एकदम सिर के निकट नहीं होना चाहिए, इस पर भी बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोते वक्त बिजली के बोर्ड का सिर से फासला करीब 2 फुट का तो होना ही चाहिए, ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। इस बात को भी देख लें कि कहीं बेड के ठीक ऊपर बीम तो नहीं है। बीम के नीचे सोने से आपको अच्छी नींद आ ही नहीं सकती, बहुत ध्यान रखें इसका। लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ड्रेसिंग टेबल बेड के ठीक सामने रखते हैं तो वे इसे हटा दें, ये अच्छी नींद में बहुत बाधक तत्व है। यदि संभव नहीं है हटाना
ऐसा कर पाना संभव नहीं है तो रात को सोते वक्त उस शीशे को किसी चादर या तौलिए से ढक दिया करें। बेडरूम में कभी पूजा स्थल भी ना रखें, ये भी गलत है। मित्रों, घर में इसका भी ख्याल रखें कि पानी निकलने की नालियां चोक ना हो, पानी कहीं इकट्ठा ना रहे, बराबर निकलता रहे। पानी इकट्ठा होने का मतलब स्वास्थ्य की दिक्कतें, आर्थिक दिक्कतें। देखिए, यहाँ पीने के पानी के टैंक की मैं बात नहीं कर रहा, वह तो ठीक है, नॉर्थ में अंडरग्राउंड टैंक भी बनवा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पानी इकट्ठा करने की मैं बात कर रहा हूँ, पानी निकलने की सही व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि पानी बराबर निकलता रहे। घर के बाहर भी गंदे पानी का कहीं अगर स्टोरेज कर रहे हैं तो उसमें उसका भी बहुत ध्यान रखें, उसको ना ही रखें या अंडरग्राउंड रखें, उस पर भी दिशा का बहुत ध्यान रखें। अष्टम में जिन लोगों की कुंडली में राहु होता है तो उनके घरों में मैंने देखा है कि लीकेज या सीलन की समस्याएं अधिक रहती हैं, सीलन की संभावना बढ़ जाती है। पानी का लीकेज भी आर्थिक संकट उत्पन्न करता है। तो मित्रों, ये कुछ बातें थीं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इनका आप लोग भी इनका ध्यान रखें। आगे भी मैं ऐसे ही उपयोगी बातें बताता रहूँगा। फ़िलहाल तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सियाराम, नमस्कार।